हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। अधिकारियों के मुताबिक वोटिंग शांतिपूर्ण हुई, लेकिन नू में दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प में 3 लोग घायल हो गए। हरियाणा में इस बार बीजेपी, कांग्रेस, INLD, BSP गठबंधन, JJP, आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा वोटर और कुल 1027 उम्मीदवार मैदान में उतरे। मेवात के नू में वोटिंग सेंटर के बाहर लंबी लाइनें दिखाई दी। हमारा जो वोट रहेगा वो सबसे पहले तो हम एजुकेशन को रखेंगे, क्योंकि एजुकेशन अगर है तो फिर देश के युवा अगर पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर लोगों के अंदर जाहिलियत रहेगी, और जब जाहिलियत रहती है तो फिर कौम एक टेढ़े रुख पर चलती है, फिर उससे एक सही रास्ता चुनाव नहीं कर पाती है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत दिन से एक झांसा दिया गया है कि आपको यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आए। फिर उसके बाद ऐसा मामला रहा है कि जो प्रेजेंट की सरकार रही है, और चाहे उससे पहली वाली जो सरकार रही है और फिलहाल जो प्रेजेंट में है, तो चाहे वो जवान का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे वो पहलवान का मामला हो, सभी में लोगों को मायूस किया गया है। मेवात का एक मुद्दा यहाँ का जो है वो है बेरोजगारी। यहाँ का थोड़ा बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हर जगह कुछ लोगों के पास रोजगार है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। यहाँ रोजगार की कमी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हरियाणा में भी यही है। वो भी इंडेक्स बताता है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा उसमें, पूरे देश की बात करें तो हरियाणा में है ऑलमोस्ट, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मेवात में ही है। हरियाणा के झज्जर में 60 वर्षीय दिव्यांग महिला कमलेश सबसे पहले वोट डालने पहुंची। वोट देंगे, हां वगत आई वोट देने तो वगत आ रही थी। वोट डालना जरूरी है। करनाल में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। कुछ लोग देश के विकास से संतुष्ट नजर आए तो कुछ लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना फोकस रखा। मैंने जो देश की जो उन्नति हो रही है ना उसको देख के वोट डाला है। उन्नति, प्रगति, जो देश का जो नाम हो रहा है उसको देख के मैंने वोट डाला है। बदलाव के लिए, विकास के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए। किस तरह के बदलाव चाहते हैं? विकास का बदलाव चाहते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है, खाली छोटे छोटे काम करने से कोई काम तो नहीं होता। काम तो कोई बड़ा करके दिखाओ, कोई इंडस्ट्री बड़ी लगाओ, कोई बड़ा रोजगार दो किसी को। हरियाणा की हाई प्रोफाइल सिटी गुरुग्राम में लोग जाम से परेशान नजर आए। हालांकि उन्होंने उम्मीद भी जताई कि चुनाव के बाद इसका समाधान हो जाएगा। लोकल जो डेवलपमेंट है, जो सिविक म्यूनिसिपैलिटी का है, वो काफी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रोड्स इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। So these are the main things जो daily life में हम लोग को affect करता है। So that is basically required। जो भी आए इनको ध्यान दे। ये एक कॉमन आदमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक कॉमन आदमी की आज के डेट में 20-25% टाइम सड़कों पर निकलता है। और सड़कों पर जो गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, वो एक बात है, लेकिन जो रोड पर इंक्रोचमेंट है, जो चौराहे हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, जो चौराहे टूटे हुए हैं, अगर उसको थोड़ा सा कोई भी सुनने वाला हो, देखने वाला हो, तो कम से कम ये 25% टाइम घट के 15% या 20% हो जाए तो हमें एक आम वोटर को बड़ी सहूलियत होने वाली है। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के नतीजे 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजों के साथ घोषित किए जाएंगे।